नमस्कार, मैं माया सूर्यवंशी। स्वागत है आपका मायास फूड में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्रसाद वाला हलवा। जी हाँ, प्रसाद वाला हलवा हम जहाँ कहीं पे भी खाते हैं तो यही सोचते हैं कि ये हलवा इतना टेस्टी कैसे लगता है, कैसे बनता है ये हलवा। तो चलिए देखते हैं इस हलवे की रेसिपी। तो इस हलवे को बनाने के लिए तो एक कटोरी हमने यहाँ पे ये सूजी या रवा लिया है। जितना रवा हम लेंगे उसी मात्रा में हमें शक्कर ले लेना है। ये दो चीज़ें हो गई। दूध हम लेंगे एक कटोरी। दूध को ठंडा बिल्कुल नहीं लेंगे, इसे भी हमने थोड़ा गुनगुना सा गर्म कर लिया है। साथ ही हमने यहाँ पे घी ले लेना है। घी की मात्रा भी हमें ज़्यादा रखना है, इतनी मात्रा रखना है कि जिसमें ये सूजी हमारी आराम से भून सके। ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट जो भी हो आपके पास। इलायची को कूट लेना है और साथ ही एक छोटा ग्लास यहाँ पे मैंने पानी को गर्म किया है। पानी को ये थोड़ा ज़्यादा गर्म करेंगे हम, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा ही हम इसे गर्म करेंगे। एक साइड रख देते हैं। इन सब सामग्रियों के साथ अब हम अपना हलवा बनाते हैं। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ये घी डालेंगे। सारा घी हमने अच्छी तरह से इसमें डाल दिया है। मेल्ट होने देंगे इसे हम, मीडियम फ्लेम पर इसे मेल्ट होने देना है। एकदम ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देंगे कि भाप निकल आए। दूध और पानी को पहले ही आप गर्म करके रख लीजिए, बाद में फिर समय नहीं मिलेगा। इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये देखिए घी ने एक टेम्परेचर पकड़ लिया है। ज़्यादा इसमें हम धुआं वगैरह नहीं आने देंगे। हाँ, इसमें डाल देते हैं सूजी। सारी सूजी को हम अच्छे से फैलाते हुए डालेंगे। फ्लेम को मीडियम रखें, चलाएंगे इसे हल्के हाथों से। अब मीडियम फ्लेम पर ही हम अपनी सूजी को अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम हाई रखने से होगा ये कि फिर वो एक ही साइड से जल जाएगी। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे आराम से भूनते रहना है ताकि ये पूरी तरह से भून सके और तभी हमारा हलवा रवेदार बनेगा। इस प्रसाद के हलवे में हमें घी की मात्रा इतनी रखना है कि जब हम इसे भूने तो इस तरह से घी दिखाई देना चाहिए। घी को कम नहीं यूज करना है इसमें। ये देखिए जिसमें यहाँ पे ऐसे घी दिखाई देने लगा है। यदि शुरुआत में आप अगर घी कम भी डालते हैं तो बाद में इसे बढ़ा लीजिएगा, लेकिन इस तरह से घी दिखना चाहिए। भूनते हैं इसे अच्छी तरह से। प्रसाद के हलवे को कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर जब हम इसे भूनते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये जो घी है ये इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। हाई फ्लेम पर फिर वो जल्दी जल्दी वाला काम हो जाएगा और उतना टेस्ट भी नहीं आएगा। अच्छा, तुम आराम से भून रहा है। अब टेस्टी कुछ खाना है आपको तो इतना पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब बढ़िया सी खुशबू इसमें आने लगी है। कुछ लोग जब हलवा बनाते हैं तो वो थोड़ा लाल लाल सा हो जाता है। वो क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ कि जब हम हाई फ्लेम पर उसे बनाते हैं तो वो भुनता कम है, जलता ज़्यादा है। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पर बनाइए। ये देखिए इस तरह से बढ़िया इसमें बबल भी दिख रहे हैं आपको, है ना? तो इस तरह से बनाइए। तो इस प्रोसेस में होता यह है कि रवा जो है कम्प्लीटली अच्छी तरह से भुन जाता है अंदर से और ये रेड भी नहीं होगा। तो जो हलवा आपका बनेगा वो बहुत ही बढ़िया सा व्हाइट कलर में ही बनेगा, ऐसे जला जला सा नहीं दिखाई देगा। खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आने लगी है। अब हमारा रवा जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। जितने ज़्यादा आप पसंद करें उस हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल दें। चला लेंगे इसे। ज़्यादा पहले भी हमें ड्राई फ्रूट नहीं डालना है, नहीं तो ये जल जाएगा और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा फिर ड्राई फ्रूट का। थोड़ा सा हम पकने देंगे ड्राई फ्रूट के साथ। देखिए हमने इतने देर से इसे पका रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल भी रेडिश सा नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल भी नहीं जला है। अब हम इसमें ये शक्कर भी डाल देंगे। यदि आप ज़्यादा मीठा ना पसंद करते हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी शक्कर कम कर लेंगे।
मिक्स कर लें इसे अच्छी तरह से, फ्लेम को मीडियम ही रखना है। इसे हम चला रहे हैं मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से। ये देखिए ये तो अभी एक बहुत अच्छी तरह से सूखा प्रसाद जैसा दिखने लगा है, लेकिन हमें सूखा वाला नहीं बनाना है। थोड़ा सा इसे चलाएंगे हम, अब इसमें हम ये इलायची पाउडर डाल देते हैं। अब तो और भी बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। चलिए अब इसमें हम ये दूध डालेंगे, धीरे धीरे करके दूध डालना है और एक हाथों से मिक्स करते जाना है। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मीडियम फ्लेम पर आराम से इसे चलाते रहे। ये देखिए धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, बस कंटिन्यू चलाते रहना है हमें इसे। अब चीनी भी कंप्लीटली घुल चुकी है, इसमें थिकनेस बढ़ रही है, लेकिन इसे चलाना बंद मत कीजिए, इसे कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। पानी हमने गर्म तो किया था, लेकिन उतना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा डालेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और अब बस इसे चलाते रहना है, जैसे हलवाई चलाते हैं हलवे को, देखा होगा आपने, सेम उसी तरह कंटिन्यू चलाते रहिए, क्योंकि जितना हम इसे चलाएंगे ये इतना बढ़िया सा दानेदार बनेगा। ये देखिए साइड से कवर कर, अब चलाते, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, हलवा हमारा बिल्कुल भी नहीं जला है। ये देखिए साइड से पूरा निकाल लें, ऑटोमेटिकली ये निकल ही रहा है और बहुत ही जल्दी ये एकदम बढ़िया सा परफेक्ट सा तैयार हो चुका है। ये देखिए साइड से घी भी बहुत अच्छी तरह से निकल रहा है। अब हमें करना ये है कि गैस को अब हम बंद कर देंगे, लेकिन इसे हम ढक कर रखेंगे। इसे 2 मिनट ढकने के बाद ये और भी अच्छी तरह से फूल जाता है, खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते हुए अब मैं इसे ढक दूंगी। अब ये देखिए 2 मिनट के बाद बहुत अच्छी तरह से हमारा हलवा ये एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुका है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट बना है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू तो भाई जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी बढ़िया खुशबू और कितना बढ़िया टेस्ट इसमें आया है। और ये एकदम परफेक्ट प्रसाद का हलवा हमारा बनके तैयार है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है कुछ ट्रिक्स के साथ। तो यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।